Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again, guys. First of all, thank you all for all your kind support. A few days back, we had crossed 400 subscribers and all thanks to you guys and the students. So guys, baat karunga kuch important topics pe yaar, usi ke liye baat karne ke liye aaya hu main. Aur dekho, agar apna अब क्या हो चुका है, सरेंडर वाली चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और सेकेंड राउंड के स्केड्यूल ऑफ चॉइस फिलिंग में अपन पहुंच जाएंगे आज, ठीक है। तो आज 1 बजे से आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आप अपनी जो चॉइसेस आप लोगों ने फिल की हैं उसमें आप थोड़े बहुत अरेंजमेंट कर सकें। तो अब देखो गाइस, कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के, बहुत सारों के, उनको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और उन सारी चीज़ों पर अपन आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि भैया जो ये सरेंडर वाला राउंड था वो क्या था। गाइस, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे आप लोगों के लिए जिसमें मैंने बताया था कि सरेंडर को टच भी नहीं करना है अगर आप अपग्रेड पे जा रहे हैं। सरेंडर वाला वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए था जो स्टूडेंट्स अब उनको कॉलेज मिल चुका है कहीं और वो अपने 50,000 रुपये वापस लेना चाहते हैं, तो सीट सरेंडर करके या काउंसलिंग से बाहर जाना चाहते हैं किसी और कारणों से, तो सीट सरेंडर करके वो काउंसलिंग से बाहर जा सकते हैं और अपने पैसे जो हैं वो ले सकते हैं। तो इसलिए वो सरेंडर वाला था। अब बात करूंगा मैं चॉइस फिलिंग इन राउंड टू, जो कि 14 दिसंबर मतलब आज से, आज 1 बजे से शुरू हो जाएगी और ख़त्म कब होगी, 16 दिसंबर 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि भैया कैसे फिल करूँ, क्या फिल करूँ। सबसे पहले बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं। देखो, जो पहले राउंड में जो कॉलेज मिला था उसके ऊपर वाले कॉलेजेस जो अब हैं उन्हीं को आप अरेंज कर सकते हो, उन्हीं को आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और उन्हीं को आप उन्हीं में से कुछ ना कुछ डिलीट कर सकते हो। कोई भी नया कॉलेज अगर आप चाह रहे हो तो उसमें आप नहीं डाल पाओगे। पहली चीज़ बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, कोई नया कॉलेज नीचे से उठा के ऊपर नहीं डाल पाओगे। जिन बच्चों को कोई भी कॉलेज नहीं मिला था फर्स्ट राउंड में, उन बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि वो अपने कॉलेज की प्रेफरेंस उस हिसाब से बनाएं ताकि उनको सेकेंड राउंड में कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, और उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा आगे चलकर, तो वो टिप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं, ठीक है, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। एक और चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो जब मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा नहीं भैया बैंगलोर में पढ़ने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ CS और सिर्फ और सिर्फ ISC। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आप लोगों की बात से कि बैंगलोर जैसी टेक सिटी में पढ़ने का मतलब है कि कंप्यूटर साइंस और ISC जैसी ब्रांचें या टेक ब्रांचों का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन गाइस, हर किसी बच्चे को CS नहीं मिल पाएगी, हर किसी बच्चे को ISC नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे क्या करते हैं, जो गलतियां बच्चे जनरली करते हैं कि वो बहुत नीचे के कॉलेजेस में CS और ISC लेने पहुंच जाते हैं, जहां फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि यार यहां तो इसका प्लेसमेंट है ही नहीं। तो देखो, अगर आप जा रहे हो और नीचे के कॉलेज में CSE और ISE लेना चाह रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले उस कॉलेज का प्लेसमेंट आप ज़रूर पता कर लेना। आपने अब प्लेसमेंट पता कर लिया है, फिर आपको लगता है कि यहाँ मुझे जाना चाहिए, देन यू शुड गो, डेफिनेटली कोई आपको नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर आपको पता लग रहा है कि वहाँ का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो उस कॉलेज में मत जाओ, सिंपल सी बात है, मत जाओ, ठीक है। अब देखो इसका ऑप्शन क्या है, ऑल्टरनेटिव। देखो गाइस, CS और ISE की जो कट ऑफ है वो बहुत, अगर आप देखोगे तो टॉप कॉलेजेस में शुरुआत में तो 500, 200, 300 इस पे बंद हो गई है, लेकिन नीचे नीचे के कॉलेज में उसकी बहुत ऊपर तक गई है। तो वहाँ आप जाओगे तो वहाँ का प्लेसमेंट, जैसा मैंने बताया, कि इतना अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग क्या कोशिश करो कि अगर सिर्फ CS और IT के अलावा भी कोई दूसरा ऑप्शन है तो ECE एक अच्छा ऑप्शन है और EEE भी एक अच्छा ऑप्शन है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। और पॉसिबिलिटी ये है कि एटलीस्ट उस कॉलेज से कुछ अच्छे कॉलेज, ऊपर के जो अच्छे कॉलेज हैं वहाँ पॉसिबिलिटी आप लोगों की बनेगी। देखो, मेरा किसी को कहने का मतलब ये नहीं कि CS मतलब या ISE मतलब, चॉइस इज़ योर्स। मैं आप लोगों को दोनों चीज़ों की बातें बता रहा हूँ कि अगर रैंक अपनी ख़राब है तो अपने को कहीं ना कहीं या तो कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या अपने को ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ करो, अच्छा कॉलेज लो, एट द एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट कॉलेज से होगा। अगर कॉलेज में अच्छी कंपनीज आएंगी, ज़्यादा कंपनीज आएंगी, तो वहाँ पर आपका अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी। दूसरी हुई तीसरी चीज़, अब मैं बता रहा था कि किस तरीके से आप खुद देख सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, कौन से कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी
नहीं। तो गाइस सबसे आसान तरीका ये है कि अपन इसको कैसे जज करते हैं। हम लोग जज करते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से। अगर बात करें 2019 की कट ऑफ, तो उसका मैंने लिंक बहुत पहले ही स्टूडेंट्स को नीचे दे दिया था। फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बार उसका लिंक यहाँ दे दूंगा, उस पर आप चले जाना, उसको एक विंडो में ओपन कर लेना। दूसरा, इस राउंड इस ईयर की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ, उसको एक राउंड में ओपन कर लेना। तीसरा, सीट वैकेंट जो सीट्स हैं उसका, तो ये तीनों सीट वैकेंट हो गया, इस राउंड इस ईयर की फर्स्ट राउंड का कट ऑफ हो गया और 2020 की सेकेंड राउंड का कट ऑफ हो गया। ये दोनों की दोनों तीनों की तीनों चीज़ें एक विंडो में खोल लो और कॉलेज, जिस कॉलेज में आप लोग देखना चाह रहे हो कि यहाँ क्या पॉसिबिलिटी बनती है इस ब्रांच में, उस ब्रांच भी वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इवन ऑल इंडिया रैंक पे कॉमेट के बिहाफ पे भी लिखी हुई हैं और जो कर्नाटका के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बिहाफ पे भी वो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप लोगों को सिंपल ये करना है, कॉलेज का नाम सर्च करना है, वहाँ पे डालना है 2019 के कट ऑफ में और देखना है कि कट ऑफ कहाँ तक क्लोज हुई थी। ठीक है, अगर आपकी रैंक 10,000 है और पिछले साल वो 9 या 8 के आसपास बंद हुई है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को मिल जाए। 1,000 ऊपर नीचे चलता है, हो जाता है बहुत बार, तो 1,000 रैंक का आप थोड़ा सा वेरिएशन मान के चलना। ठीक है, अगर आपकी रैंक 5,000 है और वहाँ पर 4,000 पे बंद हुई है, तो पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप लोगों को कॉलेज मिल जाए, क्योंकि 1,000 रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, उतना डिफरेंस आ जाता है, तो वो कॉलेज आप वहाँ पे भर सकते हो और उसको मिलने की पॉसिबिलिटी भी है। दूसरा, आपको ये भी देखना है कि सीट्स कितनी वैकेंट है किस कॉलेज में, क्योंकि जितनी वैकेंट सीट होगी उसी के हिसाब से आपको वहाँ पे सीट्स मिल पाएंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या कीजिए, 2019 की कट ऑफ देखिए और 2020 2021 20 का जो सेशन है उसका जो कट ऑफ है उसको देखिए और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं और अपनी सीटों को मैनेज कर सकते हैं, अपने कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा था जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। तो गाइज इस तरीके से आप लोग अपनी मदद खुद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मैं भी नहीं होता हूँ या आप किसी और यूट्यूबर्स को भी देखते होंगे वो नहीं होता, तो आप लोग परेशान होते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों चीज़ों के लिंक मैं नीचे दे दूंगा, अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे दे दूंगा, पुराने एक हैंड रिटन का नोट्स बनाए थे उसका लिंक भी नीचे दूंगा, सारे के सारे लिंक्स नीचे दूंगा। उन लिंक्स पर जाना, वीडियोज़ देखना, वीडियो के नीचे लिंक पड़ा हुआ है उसको डाउनलोड कर लेना और कोशिश करो कि अपनी हेल्प खुद करो। और अगर कोई भी दूसरी चीज डाउट्स है, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल बी अवेलेबल इन देयर। माय नेम इज करण, माय पेज नेम इज एग्जाम टॉपरी। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लाइकिंग माय चैनल एंड जय हिंद जय भारत एंड बेस्ट विशेस आज से आप लोगों के लिए।